मित्रों, जिनके पेट में गैस हो जाती है और गैस के कारण पेट में दर्द होता है, तो उसका मैं उपाय बताने जा रहा हूं। गैस होने से व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, उसका सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। तो ये मैंने रखे हैं आपके सामने सेब, दो सेब रखे हैं और एक सेब में मैंने लवंग लौंग, जिनमें फूल वाली है, देखिए अच्छी तरह देखें, ये सब फूल वाली हैं, ये देखें जिसमें आगे फूल रहता है, वो लगा दी है मैंने। तो अब मैं बता रहा हूं कैसे बनाना है इसको। तो एक मीठा वाला सेब ले लें और उसमें कम से कम 15 से 20 ग्राम अच्छी वाली लवंग, जिसमें ये टोपी बोलो या फूल बोलो, उसमें होल करके, उसमें छेद करके गाड़ दें। फिर उस सेब को किसी रस्सी में या धागे में, रस्सी में मत बांधो, अच्छे से सूती धागे में बांधकर 3 दिनों तक छत में लटका दें, या जहां पर भी आपको उचित लगे वहां पर लटका दें ताकि चींटियां न लगे। जब 3 दिन के बाद निकाल लें और उनको सुखा लें, तो प्रातःकाल कुछ भी खाने पीने से पहले दोपहर को तथा शाम को यों 3 बार एक एक लौंग चूसते रहेंगे तो इससे सिरदर्द भी मिटता है और पेट में गैस भी नहीं बनती। ये आजमाई हुई दवा है। परहेज में इतना ही करना है कि खटाई और तली हुई चीजें, आलू चावल आदि ना खाएं तो अच्छा है। अब मैं किस तरह से इसमें होल करने हैं वो बता रहा हूं आपको, देखें। तो मित्रों, मैंने इस तरह से एक ये पेचकस लिया है गोल वाला, और इस तरह से आपको दिखाता हूं ये होल कर लिए, देखिए इसमें होल कर लिए मैंने पहले से। अब आपको एक दो दिखा देता हूं कैसे करना है। आपको इधर से उठाएं, इस तरह से लगा दें और देखें इस तरह से। तो ये दिखाने के लिए मैंने इतनी जगह छोड़ी है, ये लगा तो मैंने इधर दिया है। आप इसको पूरा कर लें और इसको देखिए, ये इससे धागे से बांध के, अच्छे से साफ सुथरे धागे से बांध कर 3 दिन लटका दें और 3 दिन बाद इन लोगों को सुखाकर किसी डिब्बे में रख लें। सुबह, दोपहर और शाम को एक एक लौंग मुंह में रख के चूसते रहेंगे तो कभी गैस होगी नहीं। ये सीधा साधा सरल उपाय बताया है मैंने, आप करके देख लें। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।